आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा हाउ टू ग्रो डेड यूट्यूब चैनल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर जैसे ही उनका चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाता है उसके बाद उनको इम्प्रेशन या उनको व्यूज आना बंद हो जाते हैं, तो हम इसको एज ए डेड यूट्यूब चैनल ही तसव्वुर करते हैं। लेकिन अगर हम अपने कंसेप्ट में बात करें या यूट्यूब के लिहाज से बात करें तो डेड यूट्यूब चैनल ऐसी कोई टर्म नहीं होती। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अगर व्यूज आना थोड़े से कम हो जाएं तो हम उनको एज ए डेड यूट्यूब चैनल ही कहते हैं। इसके लिहाज से ये देखा जाए तो ये टर्म उन चैनल्स के लिए है जिनके ऊपर अच्छे सब्सक्राइबर हों या अच्छा वॉच टाइम हो, उसके बाद उनके ऊपर ये कंडीशन आए। अगर कोई नया यूट्यूबर है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया किस तरह वो अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है ताकि वो भी अपने चैनल को ग्रो कर सकता है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों का चैनल ऑलरेडी ग्रो था, देन उनके चैनल के ऊपर व्यूज आना कम हो गया और वो एज ए डेड चैनल्स की तरफ चले गए और उसके बाद उनको काफी डिफिकल्टी फेस हो रही है ताकि वो अपने चैनल को रीवैम्प कर सकें और इनके ऊपर अच्छा वॉच टाइम और अच्छे व्यूज ला सकें। तो मैं डिफरेंट रीजंस यहाँ पे दूंगा और साथ उनके मैं सॉल्यूशंस भी बताऊंगा ताकि आप इजीली अपने चैनल को ग्रो भी कर सकें और उसके बाद उसी चैनल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें जो पहली रीजन हो सकती है वो है टारगेट रॉन्ग ऑडियंस। बेसिकली आप रेगुलरली अपने चैनल के ऊपर टेक की वीडियोस बना रहे होंगे और जैसे ही आप टेक की वीडियोस बनाते हैं आपने उसी की बेस के ऊपर डिफरेंट सब्सक्राइबर और वॉच टाइम को इंक्रीज किया और आपकी ऑडियंस एक बिल्डअप होती गई और कुछ टाइम के बाद आपने उसी चैनल के ऊपर व्लॉगिंग की वीडियो भी ऐड कर दी और साथ ही फिर कुछ टाइम के बाद आपने फूड की वीडियो ऐड कर दी। लेकिन आपकी जितनी भी ऑडियंस उस चैनल के ऊपर बनी हुई है वो सारी टेक के रिलेटेड है। यूट्यूब सबसे पहले आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनको ही आपकी वीडियो शो करेगा और लेकिन वो लोग आपकी इस वीडियो के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, इस वजह से ना तो आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज आएंगे और ना ही उसके ऊपर इंप्रेशन आएगा। और अगर आपकी वीडियोस के ऊपर इंप्रेशन और CTR दोनों ही लो हों तो उसके बाद ना तो आपकी वीडियो के ऊपर वॉच टाइम आने वाला है, इसके बाद यूट्यूब आपकी वीडियो को टॉप रैंक से हटा देता है, आपके चैनल को कहीं भी शो नहीं किया जा सकता क्योंकि आप टोटली रॉन्ग ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और लोग आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करके देखना भी नहीं चाह रहे। तो हम इसको किस तरह सेट कर सकते हैं? आपके पास इसके अंदर इसके सॉल्यूशन में डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो आप इसको एक न्यू चैनल की तरफ लेके जाएं, नहीं तो आपका जो सेम चैनल है इसको भी सेट कर सकते हैं। उसको सेट करने का एक सिंपल और आसान तरीका है, जिन वीडियोस के थ्रू आपकी ट्रैफिक बिल्डअप हो रही थी आप उन वीडियोस को रहने दें। जो आपने रॉन्ग वीडियोस मींस आपने व्लॉगिंग की वीडियो ऐड कर दी या फूड की वीडियो ऐड कर दी आप उनको प्राइवेट में शिफ्ट कर दें ताकि वो वीडियो आपके चैनल से हट जाए और जो मेन वीडियोज हैं वही आपके चैनल के ऊपर रहें और उसी को आप आगे लेके जा सकते हैं ताकि आप उसके थ्रू अपनी ऑडियंस को बिल्डअप कर सकें और अपने चैनल को ग्रो कर सकें और उसके ऊपर अच्छा CTR और वॉच टाइम इंक्रीज कर सकें, देन ही आपका चैनल टॉप रैंक के अंदर आएगा और आपके चैनल को ग्रो करने में हेल्प होगी। अगर हम अपनी यहाँ पे सेकंड रीजन की बात करें, इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर अपना चैनल स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वीडियोस के अंदर इतना कंसिस्टेंट नहीं होते क्योंकि वो अपने चैनल को अगर ग्रो करना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर आपको देखना पड़ेगा जितने भी बड़े यूट्यूबर्स या जितने भी लोग होते हैं कि वो आपको एक कंसिस्टेंट वीडियोज अपलोड करते हुए नजर आते हैं। अगर आप कुछ अरसे तक अपनी वीडियोज को अपलोड नहीं करोगे देन आपकी वीडियोज के ऊपर इंप्रेशन या आपको रैंकिंग के अंदर काफी अफेक्ट होता है। आपको रेगुलर रह के इसके ऊपर वीडियोस को अपलोड करना होगा। अगर आप रेगुलर अपलोड नहीं करेंगे देन ही आपका चैनल डेड होगा, अदरवाइज आपका चैनल एक रेगुलर फ्लो के अंदर जब चलेगा तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके चैनल की वीडियोस को डिफरेंट लोगों की तरफ रिकमेंड करेगा। अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। अब ना तो आपको रॉन्ग ऑडियंस का इशू है और ना ही आपको इनकंसिस्टेंसी का इशू है, तो देन आपको वर्क करना चाहिए अपने कंटेंट के ऊपर, अपने थंबनेल के ऊपर। बल्कि मैंने एक वीडियो और बना दी है कि आप अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने व्यूज के ऊपर और अपने वॉच टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको वो वाली मेरी वीडियो जाके देखनी पड़ेगी, देन ही आप और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने चैनल्स को ग्रो कर सकते हैं।